नमस्कार, मंदसौर मध्य प्रदेश से मैं हूं आकाश चौहान। आज तक के एमपी तक के जो कार्यक्रम हैं उसमें चुनावी चौपाल में हम हैं मंदसौर में। मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी है, यहां अफीम की खेती होती है। और मंदसौर के लोगों की खासियत यह भी है कि बात कितनी भी गंभीर हो, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से मंदसौर के लोग उसे हैंडल कर लेते हैं। आज हम जानेंगे मंदसौर का मिजाज क्या कहता है, राजनीति क्या कहती है और क्या कहता है मंदसौर का भविष्य। आपको बताना चाहूँगा, मंदसौर की एक शानदार जनता से मिलाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मंदसौर की शानदार जनता यहाँ पर मौजूद है। और आप सभी से एक निवेदन करूँगा कि भगवान पशुपति के नाम पर, मंदसौर के नाम पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं मंदसौर में आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल जो यहाँ की सत्ता बीजेपी और कांग्रेस में जो मुख्य लोग हैं उनसे करना चाहूँगा। साथ ही हमारे साथ इसमें समाज से भी लोग भी हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, किसान लोग भी हैं। मैं सबसे पहले आता हूँ कांग्रेस के श्री राजन सिंह जी गौतम साहब के पास। गौतम जी, आप मंदसौर के इस जो सीनेरियो चल रहा है अभी वर्तमान में, आप क्या कहना चाहेंगे? किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं आप? मंदसौर में जो राजनीति को लेकर जो सत्ता चल रही है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विरोध का वातावरण निर्मित हुआ है। और राहुल जी की जो अन्य प्रदेशों में रैलियां हो रही हैं उससे ये लगता है कि ठीक है। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर भी एक विरोधी लहर है। आज सोशल मीडिया पे श्री तपन भौमिक जी का इस्तीफा वायरल हुआ है, उसके पीछे भी न जाने कितनी कहानियां निकल कर आएंगी, लेकिन ये इनका आंतरिक मामला, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी जो बता रहे हैं कि हमने विकास करा है और विकास के नए आयाम स्थापित करे हैं, तो इनके जो सिटिंग्स MLA और मंत्री हैं ये अन्य सीट तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदसौर वाला सुवासरा जा रहा है, मनासा वाला मंदसौर आ रहा है, ये वाला वहाँ जा रहा है। तो ये अपनी एंटी इनकम्बेंसी इनने जो पिछले 15 साल में करा है उसको ख़त्म करने के लिए अपने उम्मीदवारों को इधर से उधर शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 2018 नवंबर के अंदर परिदृश्य चेंज होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जानते हैं बीजेपी के जो हैं, जो यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, वो इस मामले में क्या सोचते हैं। आदरणीय श्री पुरोहित साहब से मैं बात करना चाहूँगा, इस मामले में आप क्या कहेंगे? जैसा गौतम साहब ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परिवर्तन करने की बात चल रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जानकारी उनको कहाँ से मिली कि ऐसी कोई पार्टी में बात चल रही है? कोई बताएगा कि ऐसी जानकारी कहीं है उनके पास अधिकृत रूप से? पेपर की बात नहीं, कोई पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत सूचना भी कोई जारी नहीं है। दूसरी बात है, मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में और नगर में भी, तो जहाँ तक विकास की बात है तो देखिए, हमारे यहाँ पार्टी तय करेगी कौन कहाँ से लड़ेगा, अभी कहीं से कुछ तय नहीं है कुछ भी। और इसलिए मैंने आपकी बात पूरी सुनी, मैं बीच में नहीं बोला, कृपया आप मुझे मेरी बात करना दें। जहाँ तक विकास की बात है, मंदसौर का पूरा विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज से नहीं पिछले 50 सालों से किया है ना। इसलिए विकास को कोई चैलेंज करने जैसी कोई स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से चौथी बार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है और मैदान में है। आप क्या कहेंगे? आज यदि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश की बात करते हैं तो विकास के नाम पर कांग्रेस कहीं टिकती नहीं है। इसलिए लगातार जातिवाद से लगाकर अन्य चीज़ों में भ्रांतियाँ पूरे देश में फैलाने में लगी हुई है। लोगों को बांटने का काम लगातार ये लोग कर रहे हैं। राजनीति परिवेश में यदि बात करते हैं, यदि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान की बात करते हैं तो पूरे विश्व में एक नया मध्य प्रदेश देने का काम उन्होंने किया। और उस चुनौती को स्वीकार करने की बजाय आपस में किसान को व्यापारी से लड़ाना, व्यापारी को किसान से लड़ाना, इस जाति के वर्ग के व्यक्तियों को उससे लड़ाना, और उनका स्टैंड कोई तय नहीं, वो ये बात नहीं बताते हैं, लेकिन ये जरूर करते हैं कि किसी पार्टी को नए को अवसर देते हैं कि तुम सपाक्स में चले जाओ, तुम इस वर्ग में चले जाओ, तुम वहां से लड़े लड़ो। और टोटल मिला के पूरे भारत को बांटने और तोड़कर पूरी नई राजनीति के साथ कांग्रेस आना चाहती है, क्योंकि विकास के लिए उनके पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसे में नाम आया सपाक्स का, तो बात करते हैं सपाक्स के ही कार्यकर्ताओं से, उनके लोगों से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सपाक्स की वजह से जो है वर्तमान समय में जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जो है खलबली मची हुई है। और मेरी नज़र में तो
लोकसभा राज्यसभा उस समय जो भी जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी, कांग्रेस हो, बीजेपी या दो एसपीओ बीएसपीओ सबके द्वारा एट उसी एक्ट का जिन्होंने जो है समर्थन किया, मैं उन सब पार्टियों के खिलाफ हैं। और चूंकि मध्य प्रदेश में जो है दूसरी पार्टी का प्रभाव नहीं केवल यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का है, इसलिए मुझे तो जो है नांगना तो सामना दोनों लग रहे हैं। सपाक्ष जो है एक न्योला के रूप में जो उभर के सामने आया है, या तो ये दोनों सामना नांगना न्योला को खा लें या न्योला इन दोनों को खा लेगा। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से जो है परिवर्तन की लहर है और दोनों पक्षों को जो है कहीं ना कहीं जो है नुकसान होगा। वो सपाक्ष जो है पूरी 2-3 विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से जो है सपाक्ष इन दोनों पार्टियों को जो नुकसान पहुंचाएगा। सपाक्ष अपनी दावेदारी भी रख रही है और ऐसे में आज हम बात करेंगे किसानों से बात करें, किसान इस बारे में क्या कहते हैं, बीजेपी कांग्रेस और सपाक्ष मैदान में किसान कहाँ है? किसानों के साथ जो भाजपा सरकार ने सरकार ने 6 जून को पिछले जून को किया है, किसान पूरा एक मूड बना के बैठा है कि इस हत्यारी सरकार को भगाना है। तो कहीं ना कहीं किसानों का मूड जो है आप खुद जानते हो कि कहाँ पर है। किसान पूरे लगे हुए हैं, इस क्षेत्र के 6 किसानों की जो निर्मम हत्या की गई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस आपस में लड़ा रही है, कांग्रेस आपस में नहीं लड़ा रही है। भाजपा के शिवराज सिंह जी ये बात कहते हैं कि ये पाटीदारों का आंदोलन है, ये तस्करों का आंदोलन है, ये इस समाज का आंदोलन है, लड़ाने का काम भाजपा सरकार कर रही है और किसान पूरे मूड में है कि सरकार बदलेगी। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस आपको किसानों के लिए काम करेगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों के लिए काम करेगी। और उनकी जो घोषणा है, आज किसान जो है कहना चाहिए परेशान है कर्ज से, और कांग्रेस ने घोषणा की है कि पूरा कर्जा हर किसान का माफ करेंगे। और आज जो ये गोभत्त बनते फिरते हैं, और कांग्रेस ने हमारे हम जो किसान ग्रामीण हैं, हमारे खेत खलियान पास में है, हमारी जो गायें हैं, जो आवारा गायें जो घूमती है, लोद छोड़ते हैं, जो दूध नहीं देती है, उनके लिए भी कांग्रेस ने घोषणा की है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला बनाएंगे। इसलिए साथ सबसे पहले महिला शक्ति भी यहां पर मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। आप एक महिला के तौर पर मंसूर को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, और एक महिला होने के नाते ना कि किसी राजनीतिक दल के होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के अनेकों अनेक रिपोर्ट सामने आए हैं और उसमें मंसूर का भी नाम आया, इसके लिए हम बड़े दुखदाई हैं। जो विदार हृदय भेदी घटना मंसूर में हुई, हमारे घर परिसर आसपास में हुई है, 2-3 दिन घटनाएं पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर हो गई है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हूँ। और मेरा ये कहना है कि जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की महिला शक्ति बड़ा आरोश दिखा रही थी, पर जब इसी सरकार में कुछ महीनों में फांसी की सजा भी तो फांसी की सजा होने से कोई अत्याचार बंद हो गया क्या महिलाओं पर? मेरा ये प्रश्न है। ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि आपने फांसी की सजा डिक्लेयर कर दी इसका मतलब कि सब ठीक हो गया। सरकार की नीतियां, और आज मतलब नीतियां ठीक नहीं है पूरे प्रदेश में, जो बलात्कारी और इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं उनको किसी तरह का डर ही नहीं है, तभी तो जाकर वो इतने इस तरह से ये निंदनीय कृत्य को अंजाम देते जा रहे हैं। कि अब शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करने का कोई सिद्धांत ही नहीं है। हम पकौड़ा तलेंगे, अब पकौड़ा तलवाएंगे, हम सारे बच्चों से पकौड़ा तलने की शिक्षा देंगे। के नाम पे हिंदू मंदिर जाए, मुसलमान मस्जिद जाए, सिख गुरुद्वारा जाए, ये कौन सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं कि हिंदू मंदिर जाएगा, सिख ये होते कौन है? मैं सरदार हूँ, मैं गुरुद्वारे जाऊँगा, ये मुझे कौन बोलने वाले होता है कि तू मस्जिद जा के मंदिर जा? मेरा धर्म कह रहा है, मेरा संसद ही कह रही है। इन लोगों ने सिवाय देश में गंदी राजनीति धर्म के नाम पे की, और जो भटके हुए युवा है उनको भटका दिया है। इनके घर का कोई मरा क्या आज तक? मरी आम जनता मरी दंगों में, या 1984 के दंगे देख लो कांग्रेस के समय हुए, या गुजरात में 2000 जो दंगे हुए उस समय जब कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तो आम मुसलमान मरे वहाँ, और 1984 में आम सिख मरे। तो ये आम नेता का कोई मर रहा है क्या? मर पब्लिक रही है। ये जब भी अपने महंगाई से भटक जाते हैं, अपनी नीतों से भटक जाते हैं, तो धर्म की तरफ ले आते हैं। और इनके प्रधानमंत्री विदेशों में जाके वहाँ मुसलमान नेताओं से गले मिल रहे, और यहाँ इनके दूसरे नेता भड़काऊ भाषण दे रहे, धूरी राजनीति की हो रही है। आपका कहना आपकी जगह सही है। अब मैं इस मामले में यहाँ के मैं बात चूँकि ऐसे आई है सब्जेक्ट ऐसा आया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मंसूर में एक बड़ा कांड भी हुआ था, बलात्कार कांड, जिसमें मुस्लिम समुदाय ने पूरी तरह बायकॉट भी किया था। धर्म के नाम पर राजनीति, राजनीति में धर्म, इस पर आप क्या कहेंगे? धर्म के नाम पर राजनीति और सियासत करने का किसी को अधिकार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है विकास के मुद्दे पे आज ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसी पे बात करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ धर्म को बीच में लाकर
इस डिबेट को डिवाइड करना चाह रहे हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये धर्म का मामला नहीं है या हिंदू मुसलमान का मामला मत बनाओ, सियासत करो अपने स्तर पे। आप चाहते हैं कि विकास हो? बिल्कुल विकास होना चाहिए, और विकास होना चाहिए, हुआ है और आगे भी होगा। इनका कहना है कि शहर में विकास हुआ है और विकास होना चाहिए, विकास की दरकार है। एक पक्ष और यहाँ बैठा, उनसे बात करते हैं। विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे विकास तो इंदौर गए, 15 साल हो गए, अभी तक नहीं आ रहे, ढूंढ रहे उसको। विकास के नाम का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, पर विकास हो नहीं रहा है। पूरी तरह से जो समय बर्बाद हो रहा है वो एक दूसरे को लड़ाने पर, जाति भेद इस देश के अंदर फैलाने पर, और हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने पर, ताकि दंगे हों और हम चुनाव जीत जाएं। पर यह शासन छोड़ना पड़ेगी। जो सच्चाई की राह पे चलना है तो देश को विकास के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं को उनने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी हर साल देंगे, पर वो 2 लोगों को नौकरी कहीं नज़र नहीं आ रही। चलिए, 2 करोड़ लोगों की नौकरी का बात है, और उसके बाद में बीजेपी से एक सवाल और लेना चाहता हूँ। बीजेपी का लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं, किसानों का मुद्दा हमारे बीच आया था, निश्चित रूप से जब किसानों की बात होती है तो हमारे पूरे दिमाग में ये चीज़ आती है, 15 वर्ष पहले जिस किसान को हमने जिस पीड़ा में देखा था, या जितने भी लोग बैठे हमारे किसान भाइयों ने पीछे सवाल उठाया था, निश्चित रूप से 15 वर्ष पहले किसानों की जो फटेहाल स्थिति कांग्रेस सरकार ने बना रखी थी, न बिजली थी, न उसमें घर में उसके घर जाने की सड़क थी, न किसी प्रकार, किसान को एक भिखारी की तरह पूरी तरह से यहाँ पर ट्रीट किया जाता था, कोई योजना उस तक पहुँचती नहीं थी। आज 15 वर्ष में किसान जितना संपन्न हुआ है, जितनी अच्छी स्थिति किसान की यहाँ पर दिखती है, और यही इनका आचरण है, यही इनका कल्चर है। चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन परिणाम कभी नहीं देते। आज देश में यदि रोजगार की बात हो, यदि देश के मान सम्मान की बात हो, तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में यदि सम्मान बढ़ाया तो इन सबका सम्मान बढ़ाया, ये कांग्रेस के लोग इनका भी सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाए। और लगातार 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 जिस प्रकार से अभी तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है, जो किसान है उसकी बात को दबा देते हैं लोग, और ऐसे प्रमोटेड लोग लाते हैं साथ में जिनसे किसान की बात करवाते हैं, और जो घटनाक्रम हुआ वास्तव में वो शर्मसार करने वाला था, लेकिन उसमें इनके नेता चिन्हित हुए हैं। इन्होंने जीतू पटवारी हो या जीतू पटवारी से लगा के जितने भी नायक थे, वो किसानों को भड़काने में लगे हुए थे, ये पत्थर से लगा के जलाने की, गाड़ियां जलाने की व्यवस्थाएं कर रहे थे। बीजेपी का ये मंदसौर की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से किसानों की आड़ लेके इसमें जहर फैलाने का काम इन्होंने किया है, इनको इस चुनाव में परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं जानना चाहूंगा, कांतिलाल जी राठौर आप भी यहाँ पर हैं, आप क्या कहेंगे? मैं सर एक ही बात कहूंगा, इस मंदसौर शहर का जीवनदानी लाइफ लाइन तालाब है, तेलिया तालाब, और लगभग 125 साल से इस मंदसौर शहर के लिए, जब कस्बा था मंदसौर तब से लेकर आज दिनांक तक, जल स्रोत, हैंडपम्प, ट्यूबवेल, नलकूप और बावड़ियाँ पूरे मंदसौर के रिचार्ज होते हैं उस तेलिया तालाब से, और मंदसौर के शहर के तालाब के जीवनदायी तालाब को भारतीय जनता पार्टी के इनके सांसद ने, इनके विधायक ने, इनके नगर पालिका अध्यक्ष ने, और यहाँ तक इनके पार्षद ने एक योजनाबद्ध रूप से शासकीय राजस्व अधिकारियों से मिली भगत करके उसको तहस नहस किया जा रहा है। इनकी कॉलोनियां वहाँ बन रही है, ड्रेनेज सिस्टम से वो पूरा तालाब खत्म हो रहा है, मंदसौर के जनता के भविष्य को खत्म कर रहे हैं। तो ये था मध्य प्रदेश आज तक का, MP आज तक का, मंदसौर के लोगों की राय। हम सभी मंदसौर के वासी एक दूसरे को आरोप लगाने और प्रत्यारोप लगाने की जो नीति है उससे आज काफ़ी दूर रहे। मैं आप सभी को MP तक की ओर से धन्यवाद देता हूं। मंदसौर से मैं आकाश चौहान आज तक।